प्यारी सुबह की प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ठीक हैं? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जिंदगी दे, सेहत दे, खुशियां दे और आपकी जिंदगी में आने वाली हर सुबह खुशियों वाली हो, सेहत वाली हो और अपनों के साथ हो। तो मैं तो जी जा रही हूँ आज फैसलाबाद सबीना में प्ले करने, तो रास्ते में मैंने कहा आपसे हम लोग शेयर करें कि हमारी क्या रूटीन होती है जब हम अपने शो पे जाते हैं। तो ये देखें जी, आज मैं आपको मिलवाती हूँ एक अनोखे बंदे से जो मेरे साथ होता है। ये बंदा वो है जो जो मेरे साथ होता है। और ये देखें, हम लोग जा रहे हैं मोटरवे से, धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। तो जी ये है जी वो बंदा ये है जी फैसल भाई। आज मैं इनका तारुफ भी करवाऊं आपसे, ये मेरा खासम खास बंदा है बोले फैसल भाई किधर जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। हम जी अपी के साथ फैसलाबाद जाने जा रहे हैं सबीना थिएटर में। तो आप सबसे दुआ की अपील है हम खैर वफियत से पहुंचे और वापस आए। हाँ जी। और दूसरी चीज ये देखें, मैं आपको जरा मोटरवे से ये देखें क्या खूबसूरत नजारे हैं। मुझे तो बड़ा मजा आता है मोटरवे से ट्रेवल करने का, जाने का। ये देखें, तो जरूर आइएगा जिनके लिए पॉसिबल है प्ले देखना और फैसलाबाद आना, तो जरूर आइएगा, आप सबका वेट है। तो बाकी कंटिन्यू साथ रहेंगे इंशाल्लाह, आपको पूरा दिखाएंगे जब तक हमारा प्ले स्टार्ट नहीं होता। आज इंशाल्लाह आपको सब दिखाएंगे हम लोग जी। अगेन अस्सलाम वालेकुम। असल में इसलिए वीडियो की ब्रेक की थी कि जोहर का टाइम था तो नमाज पढ़ने के लिए फ़ोन रखा था, तो मैंने कहा फिर से आपके साथ दोबारा हम कंटिन्यू होते हैं। तो इतनी तो मैं नमाज नहीं पढ़ती, गुनहगार हूँ, लेकिन हाँ मैं 3 टाइम की नमाज ज़रूर पढ़ती हूँ। और आज क्योंकि मैं रास्ते में थी, जा रही हूँ, तो आज जोहर की भी पढ़ ली, वरना मैं जोहर टाइम पे सो रही हूँ। तो बड़ा सुकून आता है नमाज पढ़ के। बाकी अमाल का दारुमदार तो जो है वो अल्लाह से हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, तो ये तो हर मुसलमान का फर्ज है। जी तो हम लोग आए हैं अभी चाय पीने के लिए और हम यहाँ से अपने खाने पीने की कुछ चीज़ें लेंगे और हम पियेंगे चाय। तो हम लोग वो देखें ज़रा, वो देखें फैसल भाई के काम, ये देखें इनका बस नहीं चलता, ये इसके पैसे भी ना दें मिले ना कुछ। चलो चलें जी, हमने सिर्फ ली है चाय और क्योंकि हम लोग नाश्ता करके आए थे तो धूप आप लोग देख सकते हैं। वो देखें, ये देखें, ये बड़ा भूखा है, बड़ा भूखा है, बड़ा भूखा है। ये देखें जी, ये पैसे वाला भाई है, भाई पैसे वाले भाई हैं। ये देखें, ये जी हमने पिंडी भटियां वाला टूल प्लाजा है ना फैसल भाई, टूल प्लाजा क्रॉस किया पिंडी भटियां का। तो बस हम कितनी देर ना, पौना घंटा, हाँ हमें पौना घंटा लगेगा अभी और इंशाल्लाह हम लोग फैसलाबाद पहुंच जाएंगे। एक मक्खी ने बड़ा तंग किया हुआ है हमें, फैसल भाई को तो ये देखें, एना नहीं तानू तंग करना, हुण तानू होर किसे ने तंग नहीं करना मेरे भरावा, ना ना भरजाई ने ना किसी और ने, सिर्फ मक्खियों ने तंग करना है इनको। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, ये टिकटॉक के चक्करों में जो है ना आप ही कहाँ पे पहुंच गई हैं, और ये मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। ये देखें, ये कहाँ पे आ गए हम, सुनसान जगह बिल्कुल, ये देखें, और ये खड़ी हैं टिकटॉक के चक्करों में जो है ना, इधर गाड़ी रुकवा ली इन्होंने,
और ये चेक करें। नहीं ये देखें, ऐसी ऐसी जगह हमें कहीं पे मिल सकती है लाहौर में? नहीं मिल सकती। मैंने कहा मैं दो तीन टिकटॉक ही बना दो, तो ये देखें पैसे पे ये क्या लसूड़े लगे हुए हैं, ये देखें, ये देखें लसूड़े हैं ना। हाँ जी ये लसूड़े हैं, लसूड़े ही हैं। इन इन्हां दे लसूड़े चोरी करके नस जाएंगे, ऐसी लसूड़े हैं, पता चले कोई कीड़ा ही काट ले। टिकटॉक बनाने उतरी थी मैं, पीछे लग गए हैं मेरे। चलो एक लसूड़ा मेरे साथ रहोगे तो ऐसी है। लसूड़े फ्री में मिलेंगे। चले जी ये अब गाड़ी में बैठने लगी है अब। चलो आपने नहीं बनाए टिकटॉक, अपना नहीं बता रहे, अपने भी दो बनाए हैं फिक्के से। चलो आ जाओ, चले जी आप बैठे गाड़ी में, कंटिन्यू बाद में करेंगे जी। तो हम लोग पहुंच गए हैं हमारे थिएटर में, तो ये देखें जी ये है सबीना थिएटर और ये लगी है पब्लिसिटी, ठीक है। तो ये है जी थिएटर, अभी कोई नहीं है, अभी अंदर रिहर्सल होगी जी। ये हम लोग अंदर आ चुके हैं और ये मेरे बड़े ही प्यारे, बड़े ही मेरे मोहसिन, ये शबीरा कार साहब हैं। क्या हाल है जी, कैसे हैं साहब जी? ये उमा अली जी का एक यूट्यूब चैनल है, तो उमा जी हमारी बड़ी फेवरेट आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट तो है, इंसान बहुत अच्छी। अरे नहीं नहीं शबीर साहब खुद बहुत अच्छे हैं और मुझे इनसे बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, और मैं जब भी फैसलाबाद आती हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है कि ये जब ये मेरे साथ होते हैं और इतनी सपोर्ट करते हैं, ये मुझे इतनी सपोर्ट करते हैं पहले दिन से लेके आज तक, इन्होंने बड़ी सपोर्ट की है। मैं जब भी फैसलाबाद सबीना में आई हूँ और मेरी स्पेशल दुआएं हैं इनके लिए, और अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें शबीर साहब जी। ये प्यार तो है आपका, मोहब्बत भी है, लेकिन ये थोड़ा सा ना उमा बड़ी तेज है, ठीक है। ये हमें ये आके कहती है जी आपने हमें मुझे बहुत सपोर्ट किया, ये किया वो किया, साड़ी ना फिर कुत्या कुत्या करके निकल जाती है। यही मुझे बताते हैं कि ये मुझे बातें करनी है, ठीक है, और ये इनकी मोहब्बत है कि ये मेरे साथ स्टेज पे खेलते हैं, मुझे खिलाते हैं और मेरी गेंद बल्ला रखा जी, मैं बॉलिंग करा दी मैं छक्के मार। चले जी आपसे कंटिन्यू रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ये बॉस रिहर्सल करते हुए ये रिहर्सल हो रही है उनके सॉन्ग की, ये साथ डांसर लड़के हैं। नजन साहब आप ओके जी? तो मेकअप जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, बस लिपस्टिक रह गई है। मैं बस ऐसे ही लाइट मेकअप करती हूँ, रात मुझे अच्छा नहीं लगता, तो अब ये आयान आया मेरे बाल बनाने, तो अब ये बाल बना रहा है, तो आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी अगेन, और ये देखें जरा मेरे साथ कौन बैठा है भला। ये अस्सलाम वालेकुम राजीव जी, आए देखो ना कैसा लाश का मुंह होया पे मेरा, अल्लाह माफ करे। नहीं नहीं शौकी अपने करेक्टर्स के लिए रेडी हो रहे हैं, और ये देखें अभी आई शेड्स आए हैं। हां मैं लाइट शी मेल बनूंगी फ्लैश जैसा, यू नो। हां ये बनेगी, अब देखो पीछे बकरियां वाली सोटी भी आ गई। तो अस्सलाम वालेकुम, रेडी हो चुकी हूँ मैं, और ये आपको अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो ये देखिए जी, ये है मेरी एंट्री ड्रेस, और मैं जाने लगी हूँ अपनी एंट्री पे, तो मैंने कहा मैं जरा आपको अपनी लुक दिखा दूँ, तो जरूर आइएगा मेरा ड्रामा देखने के लिए सबीना थिएटर फैसलाबाद में। इतनी थक गई हूँ अभी, मुझे नींद आ रही है जी। तो पहला शो हमारा हो चुका है और इतनी थकावट हो गई है कि याद ही नहीं रहा, होश ही नहीं रही कि आप लोगों को दिखा सकें कि कैसे शो होता है हमारा। तो इंशाल्लाह कल दिखाऊंगी मैं, कल एक शो होगा, गला भी बैठ गया मेरा एक शो करके, अभी दूसरे शो की एंट्री के लिए रेडी हो रही हूँ। ये देखें मेरा तो हाल बेहाल है, उधर देखें ज़रा खुर्शैद बीबी को क्या हो गया, इतनी तबीयत खराब हो रही है, थकावट हो गई है। असल में ट्रैवलिंग भी की, उसके बाद आके शो किया, सेंसर दिखाई, रिहर्सल्स की,
तो कल इंशाल्लाह ताला आपको शो भी दिखाएंगे, आज तो हमारी पुंगी बज गई है। तो हम ऐसे करके ऐसे हो तो इंशाल्लाह दिखाएंगे आप। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ये थका थका सा अल्लाह हाफिज़ और फ्रेश फ्रेश गुड मॉर्निंग करूँगी आपको। अल्लाह हाफिज़।